बॉलीवुड के कई अभिनेता आज बहुत अमीर और प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कुछ के लिए स्टारडम का यह सफर आसान था तो कुछ के लिए यहाँ तक पहुँचने में लंबा वक्त लगा। इनमें से कुछ सितारों को पैसा कमाने के लिए सेल्समैन, चौकीदार और वेटर के रूप में भी काम करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे और एंड में आपका सुपरस्टार भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी की। कियारा आडवाणी एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस है जो कम समय में ही काफ़ी मशहूर हो गई थी। फिल्म स्टार बनने से पहले उन्होंने एक प्री स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में काम किया। कियारा ने बच्चों को ABCD और 1 2 3 4 भी पढ़ाया है। दूसरे नंबर पर आता है जॉनी लीवर। जॉनी लीवर एक ऐसे कॉमेडियन है जो हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं। वह लंबे समय से मनोरंजन उद्योग में और अभिनेता बनने से पहले उन्होंने HUL कर्मचारी के रूप में काम किया। उनकी कॉमेडी की वजह से लोग उन्हें जॉनी लीवर बुलाने लगे। उनका असली नाम जॉनी राव है, लेकिन दूसरों का मनोरंजन करते समय वे जॉनी लीवर के नाम से जाने जाते। तीसरे नंबर पर आते शाहरुख खान। शाहरुख खान की फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह एक ऐसा काम करते थे जिसमें उन्हें सिर्फ 50 रुपये मिलते थे। वह एक मूवी थिएटर में टिकट विक्रेता के रूप में काम करते थे और उसे बेचे जाने वाले प्रत्येक टिकट के लिए 50 रुपये का भुगतान किया जाता था। शाहरुख ने हाल में ही एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें पहली बार 50 रुपये मिले तो उन पैसों से ताजमहल देखने का उन्हें सपना पूरा किया था। चौथे नंबर पर आते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह एक बेहतरीन अभिनेता तो है ही, पढ़ाई में भी तेज थे। वह सीखने के लिए इतना उत्सुक था कि शुरू करता था वह तब तक नहीं बैठता था जब तक वह उसमें विशेषज्ञ न हो जाए। वह सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक बैकअप डांसर भी है। जी हाँ, पवित्र रिश्ता से करियर शुरू करने से पहले सुशांत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर रहे थे। पाँचवें नंबर पर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिनती आज इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में की जाती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं रहा। सिनेमा में आने से पहले उन्होंने एक केमिस्ट की दुकान में काम किया। इसके बाद वे दिल्ली चले गए जहाँ उन्होंने 1.5 साल तक वॉचमैन का काम किया। बाद में वह मुंबई आए। यहाँ उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में एक छोटा सा रोल किया और संघर्ष करने के बाद आज वह बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। छठे नंबर पर आते अरशद वारसी। जॉली LLB, गोलमाल, मुन्ना भाई MBBS इसके जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुके अरशद वारसी ने महज 70 साल की उम्र में घर घर ज्वेलरी सेल्समैन का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो लैब में भी काम किया। नृत्य के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने अपना स्वयं का नृत्य स्टूडियो भी खोला और डांस ग्रुप भी तैयार किया। सातवें नंबर पर आती है सोनाक्षी सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म दबंग से बॉलीवुड में एंट्री की थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सोनाक्षी एक्ट्रेस बनने से पहले एक फैशन डिजाइनर थी। सोनाक्षी ने 2005 की फिल्म मेरा दिल लेके देखो के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। नंबर 8 पर आते हैं R. Madhavan। बॉलीवुड में साउथ अभिनेताओं में सुमार R. Madhavan ने 3 इडियट्स, रहना है तेरे दिल में, तनुवीर्स मनु जैसे टॉप फिल्मों में काम किया है, लेकिन आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले R. Madhavan एक पब्लिक स्पीकर ट्रेनर थे, इसके लिए वह इतना आत्मविश्वासी है। नंबर 9 पर आते हैं भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर ने बचपन से ही एक सफल अभिनेत्री बनने का सपना देखा और उनका ये सपना सच हो गया। भूमि ने पूरा किया अपना सपना, लेकिन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले भूमि पेडनेकर यशराज प्रोडक्शन में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा के अधीन काम किया है। नंबर 10 पर आते जैकलिन फर्नांडिस। सुंदरी जैकलिन आज बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। क्या आप जानते हैं मॉडलिंग और अभिनय में प्रवेश करने से पहले जैकलिन ने श्रीलंका में एक TV के पत्रकार रूप में काम किया। पत्रकार होने के अलावा उन्होंने कई राजनीतिक कहानियां भी कवर की। जैकलिन अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो आज
एक सफल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होती। नंबर 11 पर आते हैं रजनीकांत। मेगास्टार रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले बेंगलुरु में बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे। दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।